भारतीय जनता दल के विधायकों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें आपको कि एक गाड़ी में 3 विधायकों को विधान मंडल भेजा जा रहा है। तस्वीरें देखिए, जो गाड़ी निकली है उस गाड़ी में समीर महासेठ हैं जो कि पूर्व मंत्री हैं, ललित यादव हैं पूर्व मंत्री, आलोक कुमार मेहता पूर्व मंत्री, ये तमाम लोग हैं। उसके बाद राबड़ी देवी भी जो है वो 5 देश रत्न मार्ग जो है वो पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर से जो है तमाम महिला MLA को लेकर वो यहाँ से रवाना होंगी। तस्वीरें 5 देश रत्न मार्ग से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पर तमाम विधायक अब यहाँ से निकलने की जो उनका सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। अब से कुछ ही देर में तमाम MLA जो निकल जाएंगे, कुछ MLA निकले हैं, 4 MLA जो है वो अब तक निकले हैं। बता दें आपको कि एक वाइवरेंद्र और ललित यादव, आलोक कुमार मेहता और साथ ही साथ समीर महासेठ जो हैं वो विधानसभा के लिए निकल चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि राबड़ी देवी जो है वो पहुंची यहाँ पर और उसके बाद यह जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि तमाम जो महिला विधायक हैं उनके साथ, राबड़ी देवी के साथ ही विधानसभा पहुँचेंगी। तेजस्वी यादव और अन्य जो विधायक हैं वो भी कुछ ही देर में अब तमाम लोग निकलेंगे। सबसे बड़ी बात है, चेतन आनंद कल देर रात यहाँ से चले गए और चेतन आनंद को लेकर संशय की स्थिति हो गई है कि क्या वो राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में वोट देंगे या नहीं देंगे। ये बड़ी संशय की स्थिति हो गई है कि चेतन आनंद यहाँ पर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। हालाँकि जो सूचना मिल रही है कि चेतन आनंद अपनी माँ के साथ यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है क्योंकि यह सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वो अपनी माँ के साथ यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें 5 देश रत्न मार्ग की है, तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और 4 विधायक अभी तक यहाँ से निकल चुके हैं और चारों विधायक जो हैं वो, एक भाई वीरेंद्र जो है वो अपने गाड़ी से गए हैं और बाकी 3 जो हैं वो एक गाड़ी से गए हैं। तो बड़ी बात, बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि जनता दल यू ने ऑपरेशन विधायक चलाया है। ऑपरेशन विधायक में जो है यह कहा जा रहा है कि कामयाबी मिल गई है। नीतीश कुमार ने जो ऑपरेशन चलाया उस ऑपरेशन में कामयाबी मिली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार होता क्या है। जो JDU के विधायक ऑपरेशन, नीतीश ने जो ऑपरेशन चलाया उस ऑपरेशन में से नीतीश कुमार तो सक्सेसफुल हुए, सभी विधायकों को उठा लिया गया, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया अभी भी बाकी है और वोटिंग की प्रक्रिया में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। अब से कुछ घंटों में वो भी तस्वीरें साफ हो जाएगी कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर कोई और संकट की स्थिति बिहार में पैदा होगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सहयोगी अभिजीत के साथ मनोरंजन सिंह।